तारीफ करो जोर से। अभी भाई को साथ ले लो, आप भी अपनी बाइबल को अपने साथ रखो, हाथ में रखो, डायरी को तैयार करो, अपने हाथों को उठाओ। सबसे बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे जीवित वचनों को जीवित जगह दे सके, तेरे शुद्ध वचनों को शुद्ध जगह दे सके, तेरे पवित्र वचनों को पवित्र जगह दे सको। अपने हाथों को उठाओ सब, बोले इस वचन को कोई पिछड़ा ना ले जाए। पहले बता दें, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, रास्ते पे गिरा, लेकिन वो फल लेकर नहीं आया। झाड़ियों में गिरा, वो फल लेकर नहीं आया। जो अच्छी जमीन पे गिरा, पैदावार जमीन में गिरा, वो फल लेकर आया। बोलो प्रभु, मेरे मेरा दिल, मेरा जीवन एक पैदावार धरती की तरह हो जाए, और मैं इस वचन को सुन के 100 गुना फल लेकर आऊंगा, 100 गुना फल लेकर आऊंगा। ऊंची आवाज में बोलो, 100 गुना फल लेकर आऊंगा। वो फल मुझ में बने रहे, वो फल मुझ में बना रहे। अपने हाथों को उठाओ, सबसे आंखों को बंद करो। हालेलुया। आप ठीक से बैठ सकते हो। अपने बाइबल को साथ रखो, अपनी डायरी को ओपन करो, अपनी बाइबल को भी ओपन करो। और बहुत से जन की ये कंप्लेन है, हम बहुत तेज बोलते हैं। हाँ, कई बार वचन समझ आता है, कई बार नहीं आता। और मैं एक बात आपको सदा कहता हूँ कि ज्यादातर बाइबल पढ़ो। समझ रहे हो? कईयों की शिकायत है, कईयों के मन में होगा, बहुत तेज 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 बोलते हैं। मैं आपको सदा कहता हूं कि बाइबल को ज्यादा रीड करो, ताकि जब तेजी से वो वचन आपकी जिंदगी से गुजरे तो आपको समझ आए कहां से ये वचन हो रहा है, कौन सी स्टोरी है। मेरी बात को समझ रहे हो? इसलिए ज्यादातर मैंने कहा बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने के बहुत सारे हमारे फायदे हैं। जब एक दास, मैं नहीं, कोई भी दास, अगर वो तेजी के साथ प्रीचिंग कर रहे हैं, जहां जहां हीलिंग कर रहे हैं, कहां से वो शब्द लेकर आ रहा है, कहां से वो शब्द आ रहे, कहां से वो वचन आ रहा है, आपने पढ़ा होगा और आपका दिमाग वहां पे चला जाएगा, उस किताब पे चला जाएगा कि यहां से ये वचन उठाए गए, यहां से ये स्टोरी उठाई गई। हाँ या ना? कंफ्यूज वो बंदा होता है, समझ उनको नहीं आती, तेजपन उनको समझ नहीं आता, जो बाइबल से कोसों कोसों दूर है, जिन्होंने कभी बाइबल नहीं खोली। अगर खोलते भी है आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, एक आयत को पढ़ना बस, 2 आयतों को पढ़ना बस, जब तक आपको अपनी बाइबल से प्रेम नहीं होता, तब तक आपको तेज वाली प्रीचिंग समझ नहीं आएगी। जब आपका एक चैप्टर आप नहीं पढ़ते, एक एक चैप्टर को डायरी के ऊपर उनके शब्द को नहीं लिखते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सिखाने वाले, मेरे अगुए, मेरे आत्मिक पिता जब तेजी से बोलते हैं, मेरे को समझ आता है कि वो कहाँ से बोल रहे होंगे, कहाँ से उसने वचन लिया होगा, कहाँ से वो वचन करते होंगे, किधर नए नियम से लिया है, पुराने नियम से लिया है, मेरे को समझ आता है। और कोई आपके लिए स्पीड कम नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो टीचिंग चल रही हो तो उसमें स्पीड कम होगी, अगर वो आत्मा के साथ, अगर वो मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, वो स्पीड कम नहीं होगी। उस तेजी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, उस स्पीड के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा।
दिमाग को बढ़ाना पड़ेगा, दिमाग की स्पीड को, दिमाग की बत्ती को जलाना पड़ेगा, हाँ या ना? और ये शिकायत है हर बंदे की कि बहुत फास्ट। लेकिन मैं आपसे सदा कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, जब से आप मेरे को मिले हो तब से मैं ये कह रहा हूँ, बाइबल को ज्यादा रीड करो, बाइबल के साथ संबंध जोड़ो, बाइबल के साथ रिश्ता जोड़ो, ताकि जब भी कोई वचन दे आपको समझ आइए कहाँ से हो रहा है। और बाइबल से कोई भी वचन बाहर नहीं होता, और पवित्र आत्मा भी बाइबल से बाहर काम नहीं करता, परमेश्वर भी अपने वचन से अलग होके काम नहीं करता, उसने भी वचन से ही बात करनी है, वचन के द्वारा ही काम करना है। अगर वचन आपके पास नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। चलो अब हम वचन की ओर बढ़ते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन मेरी समझ आए, मैं उसे कैच कर सकूं, उन शब्दों को कैच कर सकूं। ऊंची आवाज में बोलो, मैं तेरे वचन को सुंदर जगह दे सकूं, वो जगह दे सकूं जहां पे वो फल लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हम वचन की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी में तीन हिस्से हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखते हैं, शायद मैं क्लास में भी बात कर चुका हूँ, ऑनलाइन जो ग्रुप चल रहे हैं हमारे चर्च के, उसमें भी मैं ये बातें कर चुका हूँ आपके तक, ये पहुंचाना मेरे लिए क्या है जरूरी है, और आप भी सीखें वचनों को। जिंदगी में तीन हिस्से हमारी जिंदगी में, तीन पड़ाव जिसे कहते हैं, जो हमारी जिंदगी के लिए खास अहमियत रखते हैं, जिसमें इंसान सुधरता है, जिसमें बिगड़ता है, जिसमें वो उन्नति के साथ जाता है, जिसमें वो कानून के साथ आता है। आपको आज सबका पता चलेगा वो कौन कौन से हिस्से हैं। हालेलुया। सबसे पहले जब हम पवित्र आत्मा पाकर जिंदगी बिताते हैं, सबसे बड़ा वो हिस्सा हमारी जिंदगी में, उस जिंदगी में होता क्या है आपने लिखना है, जो आपको समझ आया आप आपने लिखना है उस बात को। पवित्र आत्मा वाली जिंदगी में होता क्या है, अच्छे हेल्पर मिलते हैं, अच्छे सलाहकार मिलते हैं, अच्छा सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मददगार होता है। मैं फिर से कहता हूँ, पवित्र आत्मा हमारा मददगार होता है, इसलिए अच्छे सलाह, अच्छे दोस्त, अच्छे हेल्पर हमें जिंदगी में मिलते हैं। जब हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का पड़ाव आता है, अगर वो सदा के लिए चले तो आपकी जिंदगी में सदा के लिए आशीषें रुकेगी नहीं, सदा के लिए बरकतें रुकेगी नहीं, क्योंकि वो पड़ाव आपकी जिंदगी में बचपन से लेकर आखिर तक बना हुआ है। आपने 12 साल की उम्र में पवित्र आत्मा पाया, 10 साल की उम्र में पवित्र आत्मा पाया, 8 साल की उम्र में पवित्र आत्मा पाया, 60 साल की उम्र में भी आपके साथ पवित्र आत्मा बना हुआ है। तो ये जाहिर है कि 60 साल में भी आप 12 साल की ब्लेसिंग का स्वाद चख रहे हो। समझ रहे हो? कईयों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, हाँ 10 की उम्र में उतरा तो 12 की उम्र में खत्म हो गया, उनको छोड़ के चला गया। जब शादी के पहले पवित्र आत्मा से भरते थे, शादी के बाद पवित्र आत्मा उनको छोड़ के चला गया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? किनको समझ आ रहा है आज का वचन? और ये आपकी चिंता लेकर आपको दिया गया। जब आप यहूना को देखते हो, यहूना की अंजील को देखते हो, 14 अध्याय उसके 18 वचन को देखते हो, वहां पे लिखा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको सत्य का आत्मा दूंगा।
हम यहूना में जाएंगे, पहले 16 का 7 पढ़ेंगे। यहूना की अंजील, पत्री नहीं, अंजील, 16 अध्याय उसका 7 वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हाँ, आप बढ़ो 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हारे लिए स्मरण कराएगा। पहला पत्रस निकालो, 5 का आपने 7 पढ़ना है। आपकी चिंता प्रभु करता है, आपको मालूम होना चाहिए। कोई करे या ना करे, आपका परिवार आपकी चिंता करे या ना करे, आपके फ्रेंड्स आपकी चिंता करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपकी चिंता करना छोड़ता नहीं। वो आपकी चिंता करता है, वो आपका बोझ उठाने के लिए आज भी तैयार है। और दो चीजें हमेशा प्रभु की ओर से मिलेंगी, आपने लिखना है डायरी के ऊपर, दो चीजें परमेश्वर की ओर से मिलेंगी जो आपकी जिंदगी में पूरे फल के साथ होंगी और पूरी ब्लेसिंग के साथ होगी। हर तरह की ब्लेसिंग का स्वाद आप चखेंगे, चखने के बिना मरेंगे नहीं, अगर वो चीजें आपकी जिंदगी में प्रभु ने दी हुई तो। पहली चीज क्या है? पवित्र आत्मा। यहां पे लिखा है कि मैं आपके लिए मददगार भेजूंगा। और दूसरी चीज, आदर्श पत्नी, बाइबल बताती है परमेश्वर की ओर से मिलती है, ना कि आपकी आंखों देखने से मिलती है, ना कि आपके प्यार करने से मिलती है। आदर्श हेल्पर, हमारी लाइफ पार्टनर, वो परमेश्वर की, और ये दोनों चीजें परमेश्वर की ओर से मिलती हैं और किसी की ओर से नहीं मिलती। पहला पवित्र आत्मा जो आपका सच्चा मददगार है। बाइबल बताती है आदम निराशा में रहने लगा। उत्पत्ति जब 2 चैप्टर देखते हैं, 2 चैप्टर उसका 18 वचन देखते हैं, वहां पे लिखा आदम निराश रहने लगा और परमेश्वर को उसकी चिंता हुई और उसने कहा मैं उसको मददगार भेजूंगा, इसको सहायक भेजूंगा। हाँ या ना? और नए नेम में भी परमेश्वर को चिंता होने लगी, अगर मैं चला गया तो चेलो जो मेरे शिगिर्द है, जो मेरे लोग हैं, ये कैसे जिएंगे? परमेश्वर ने पहले ही प्लान जो कर रखा था कि मैं इनके लिए मददगार भेजूंगा, मैं आदम के लिए सहायक को भेजूंगा, मैं चेलों के लिए सहायक को भेजूंगा। चेलों का सहायक होगा पवित्र आत्मा, आदम का सहायक होगा उसकी पत्नी। अगर परमेश्वर आपको, परमेश्वर के चुने हुए, चुनी हुई बीवी, चुना हुआ पति आपको मिले तो आपकी लाइफ नीचे भी स्वर्ग है और ऊपर भी स्वर्ग है। हाँ या ना? अगर पूरी लाइफ पवित्र आत्मा के साथ गुजारी, आपने 8 साल में, आपने 8 साल में पवित्र आत्मा पाया, अभी आपको 70 साल हो गए पवित्र आत्मा में जीते हुए, तो मैं नहीं सोचता कि आप आशीष को बिना रहोगे, मैं ये सोचूंगा आप फुल आशीष के नीचे होंगे, फुल ब्लेसिंग के नीचे होंगे, फुल नदियां आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में बहती होंगी, जिसने 10 साल और 60 साल पवित्र आत्मा के साथ गुजारे। आवाज नीचे कर, हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? पहला पड़ाव जो हमारी जिंदगी में वो पवित्र आत्मा के साथ जीना, उस पड़ाव में आपको दोस्त भी, आपके सलाहकार भी समझदार होंगे। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? और दोस्तों का, सलाहकारों का आपकी जिंदगी में समझदारी के साथ काम करना भी जरूरी है। अगर सलाहकार दोस्त गंदे निकले तो आपकी लाइफ पूरी गंदगी में बीत जाएगी, डिप्रेशन में बीत जाएगी, आपकी आपकी जिंदगी जो है एक नरक बन जाएगी, अगर आपकी जिंदगी में अच्छे सलाहकार ना होगा।
हम सलाह उनसे लेने के लिए जाते हैं जो प्रभु से बहुत दूर है, पवित्र आत्मा का पता ही नहीं है, बाइबल का पता नहीं है, हमारे सलाहकार वो है। और दूसरे पड़ाव में ऐसे सलाहकार आपको मिलेंगे जिनको बाइबल का पता नहीं है, बाइबल के कूड़े का पता नहीं है, ए का पता नहीं है। आप ऐसे सलाहकार दूसरा पड़ाव हमारी जिंदगी में जो है वो जवानी का पड़ाव है, जिसमें ना तो पवित्र आत्मा है ना तो वचन है, सिर्फ सिर दर्द ही सिर दर्द है। आपको बताए एक दाऊद का बेटा था जो एक रानी से पैदा हुआ था, और दाऊद की एक बीबी नहीं थी, एक रानी नहीं थी, पांच सी रानियां थी, और एक रानी से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। हालेलुया। मैं आपको बताने देता हूं पहला, दूसरा सैमुएल उसका 13 अध्याय में आप ये वाक्य देख सकते हो। मतराई बहन से एक संग करना, मतराई बहन से एक क्या करना, एक श्रेणी संबंध जोड़ना, क्या कि ये समझदारी है? आपकी आपकी कोई भी बहन हो सकती है, आपने किसी को बहन का रिश्ता दिया हो सकता है, आपके आपके चाचे की, आपके आपके आपकी बुआ की लड़की, कोई भी हो सकती है आपकी बहन। लेकिन एक रानी से वो जो एक लड़की थी बहुत खूबसूरत थी, और दाऊद का बेटा उससे प्रेम करता था, और उसका हेल्पर, आप 13 अध्याय में देखो तो उसके हेल्पर ने गलत सलाह दी, जो पवित्र आत्मा पास नहीं था, जो दाऊद के पास ज्ञान था वो उसके बेटे के पास नहीं था, है भी था लेकिन पवित्र आत्मा उसके पास नहीं था जो दाऊद के पास रहता था। हाँ या ना? और उसके सलाहकार ने, उसके दोस्त ने पूछा, भाई तू की हो जा रहा है, लिस्सा हो जा रहा है, की गाला बाइबल दास दी है, तू माड़ा हो जा रहा है दिन प्रतिदिन, तू तो राजे का पुत्र है, तेनू तो हम पलना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तू तो सुखी जाना है, पीला बनी जाना है, की गल है? उन्हें फिर दसा कि एक मेरी मतरई भैन आ जिसनू मैं की करता हाँ, प्यार करता हाँ। उसके दोस्त ने चंगी सलाह नहीं दी, बाइबल दस दी, वो कह सकता सी एक ही काम कर रहा, वो तेरी भैन लगती है, तू एक कड़े कमां से पै गया। पर उस जगह से लिखा उसने क्या, आप पढ़ांगे पाजनू पढ़ियो, जोनादाब ने उसे कहा अपने पलंग पर लेकर बीमार बन जा। कहता बीमार होन दा की कर, टोंग कर, बीमार होन दी की कर, एक्टिंग कर, और अपने पिता नु, अब जब तेरा पिता तेरे कोल आऊगा उन्नु कहेगी मैं अपनी भैन दे हथों की खाना चाहना हां, खाना खाना चाहना, ते जब तेरी भैन जेड़ी मतराई भैन सी वो तेरे जब खाना पका रही होएगी तू ओ जबरदस्ती करी, यानी कि जे पवित्र आत्मा नहीं है जिंदगी इदा के सलाहकार उतर सकते हैं। नमाज की जिंदगी भी अच्छा सलाहकार थी, हाँ या ना? जिसने उन्हें चंगियाई दिला दी, हाँ? अगर तुसी डोलो तो तुहाडे जिहड़े सलाहकार है, तुहाडे जिहड़े दोस्त है, तुहानू की कर सकन, खड़े कर सकन, इदां दे दोस्तां नाल दोस्ती करो ना। नौकर ने चंगियाई दिला दी, नमान के नौकर ने कहा केड़ा उन्हें पहाड़ का उन्हें कह दिता, जे वो तेरे को लखा करोड़ा रुपया मामले का फिर भी तू देना ही थी, जो उन्हें कह दिता सात डुबकियां लगा ला, तो कड़ी वड्डी गल कह दिती है तू लगा ला। जो नमान समझ आई कि जो मेरे नाल मेरा साथी आ मैं अस्सी सलाह दे रहा है, उन्हें वो सलाह को मनिया, जो डुबकियां लगाइया वो जिंदगी दे विच हीलिंग उतरी, वो जिंदगी दे विच एक अच्छापन उतरिया। पर इतने वेखो कि मित्र है जो एक पुठी सलाह दे रहा है, जो मौत का कारण बनिया, समझ रहे? जब पूरे अध्याय पढ़ोगे समझ आ जाएगी, जो मौत का कारण बनिया। एक दोस्त जो मौत का कारण बनिया,
एक सलाहकार एक जवानी दे विच बहुत मुश्किल है अगर तुसी आत्मा तो बिना जवानी बिता रहे हो चंगे दोस्त चंगे सलाहकार तुहानू बहुत घट मिलणगे अपनी जिंदगी दे विच मेरी गल नू समझदे पए हो किन्हें समझ आ रहा है ओदी जवानी दा पैर सी ओदी जवानी दा एक 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 समा सी जिहड़ा उह संभाल नहीं पाया अगर उसका सलाहकार हुंदा अच्छा गाइडलाइन हुंदी ओदी लाइफ दे विच अच्छा दोस्त हुंदा तां कदे भी उहनूं डिगण ना दिंदा कदे भी इहो जिहा पाप ना करन दिंदा कदे भी इहो जिहे पाप दे विच डिगण ना दिंदा कदे भी अपनी भैण दे नाल संग ना करन दिंदा पर ओदे सलाहकार ने ओदी जिंदगी नूं उसे दिन ही उहने ओदे ओदे दोस्त नूं उसे दिन ही इहो जिहा काम कर दित्ता सी कि उहनूं मरना पैणा सी चाहे एक साल बाद मरता चाहे दो साल बाद मरता और बाइबल दसदी है जिदी भैन दे नाल उहने संग कीता सी उसे ओहदे भरा ने उहनूं कतल कर दिता हालेलुया इसी तेरा में पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है आपने पढ़नी है पहला पड़ाव क्या है जो हम पवित्र आत्मा में जिंदगी बिताते हैं अच्छे हेल्पर अच्छे एडवाइस देने वाले हमारी जिंदगी में उतरते हैं दूसरा पड़ाव जो हम जिंदगी में जवानी जवानी के पड़ाव में जाते हैं वचन के बिना पवित्र आत्मा के बिना सोचो अगर अगर आपको 8 साल में आपको पवित्र आत्मा मिला है तो आपको 16 से गुजरना पड़ेगा 17 से गुजरना पड़ेगा 18 से गुजरना पड़ेगा यानी कि सारी सारी जवानी आपने पवित्र आत्मा के साथ गुजारी तो पवित्र आत्मा आपको गिरने देगा आपका सिखाने वाला आपको गिरने देगा आपका टीचर आपको गिरने देगा आपका फादर आपको गिरने देगा नहीं अगर फादर लेट हुआ तो पवित्र आत्मा आपके साथ ऐसा ऐसा मददगार है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं हालेलुया परमेश्वर ने तुहानू खुल दे दित्ती हे जवान अपनी जवानी दे विच मौज कर ऐश कर जो तेरी अखां कहंदियां तू कर जो देखदियां उहनू देख पर याद रखी मैं तेरा की करांगा न्या करांगा हालेलुया अखां दे वर्शिपर नू भी देखदियां ने अखां दे इक अच्छे प्रीचर नू भी देखदियां क्यों नहीं मैं अखां उहदे मगर लगदियां क्यों क्योंकि लाइफ वचन तो बिना है लाइफ जिहड़ी आ फिर की आ पवित्र आत्मा तो बिना है वचन तो बिना है कितना कितना फिर अच्छे प्रीचर को पहचानेगी जवानी दे विच पवित्र आत्मा होवे तां ओह जवानी एक स्वर्ग बन जांदी है अगर जवानी दे विच पवित्र आत्मा ना होवे तां ओह जवानी जवानी नहीं रहिंदी ओह जवानी एक लानत दा काम कर जांदी है एक शर्मिंदगी दा कारण बन जांदी है एक निराशा दा कारण बन जांदी है किन्ने जणे मेरी गल नूं समझदे पए आ आज थोड़ा लंबा होगा प्रीचिंग लेकिन आपने समझना है इस बात को आमीन हालेलुया और तीसरा प्रो जब जब हमारी शादी होती है कम एक लड़की के साथ या एक लड़की के साथ आप शादीशुदा बैठे होंगे कही होगी शादी की उम्र हो चुकी होगी क्या आपने अच्छे हेल्पर के लिए अच्छा कुछ बोया है कि परमेश्वर आपको आदर्श पत्नी दे आदर्श पति दे प्रभु में चलने वाला जिसने आज तक व्यभिचार का काम नहीं किया आज तक उस लड़की ने व्यभिचार की वीडियो या व्यभिचार की बातें नहीं की क्या आपने ऐसा काम किया है कि परमेश्वर आपको ऐसी लड़की या लड़का दे तो ये लाइफ क्या है जो तीसरा पड़ाव हमारी जिंदगी में आता है ये कानून से भरा हुआ आता है जब हमारी शादी होती है हमें कानून में जाना पड़ता है यहाँ पे हमें 3 घंटे बाहर लगाते हैं इधर उधर चलते फिरते हैं वहां पे हमें 1 घंटे में वापस घर में जाना पड़ता है यानी कि एक अच्छे हेल्पर के पास एक अच्छी बीवी के पास एक अच्छे पति के पास हमें फिर से वापस जाना पड़ता है क्यों क्योंकि हमारा पति जो है परमेश्वर के द्वारा हमारी पत्नी जो परमेश्वर के द्वारा चलने वाले हैं और हमें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि हमने प्रार्थना में बैठना है हालेलुया आपकी एक पत्नी दी जाती है तराशने के लिए एक लड़की दी जाती है अगर शादी हुई उसके साथ मंगनी हुई आपको तराशने के लिए वो हीरा दिया जाता है आपने तराशने उससे चमक निकालनी है आपको पति दिया जाता है उससे चमक निकालने के लिए उसको तराशने के लिए उसको पॉलिश करने के लिए हाँ या ना
मेरी बात को कितने जल्द समझ रहे हैं, आपको ढालना पड़ता है। क्योंकि एक लड़की एक अपने घर को छोड़कर आई होती है और उसको लगता है ऐसे ऐसे क्या है जो मुझे पीछे माँ पियो के घर में मिला मुझे आगे भी मिलेगा, लेकिन उसको ढलना पड़ता है अगले घर में जाके, अगले परिवार में बैठना पड़ता है, उसका उसका वातावरण सीखना पड़ता है, उस वातावरण में उसको ढलना पड़ता है। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं। तीसरा पड़ाव है जो व्यक्ति लाइफ जो 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 व्याई जिंदगी आप जिन्हों कह देने हैं, क्योंकि नून दे नाल भरी होती है, इंसान इधर उधर नहीं जा सकता, वो सिर्फ अपनी बीवी का एक वफादार रह सकता, अपनी पत्नी का वफादार रह सकता, अपने पति का वफादार रह सकती है। और यानी कि तीसरा पड़ाव जेड़ा एक कानून दे नाल भरया हुंदा है। हालेलुया, किन्ने समझते पे आज आज जो मैं तुम्हें तीन गल्लां दस रहा। पहली जो पड़ाव आंदा है पवित्र आत्मा दे नाल भरया हुंदा, ये तिन्ने पड़ाव दे विच अगर पवित्र आत्मा रहा तो सारा कुछ की पाओगे, अच्छा ही पाओगे। कई एक साल पवित्र आत्मा दे विच पढ़दे आ पवित्र आत्मा उन्हां तों उठ जांदा है, दो साल पवित्र आत्मा दे विच चलदे आ तीसरे साल पवित्र आत्मा कित्थे उन्हां नूं पता ही नहीं है। जवानी में बड़े काम किए लेकिन जो शादीशुदा लाइफ आई कितने गए काम, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्होंने छोड़ के चला गया। हालेलुया हालेलुया, मेरी गल नु किन्ने जने समझते पे हैं आज दे वचन नु। प्रभु को चिंता थी आदम की, उसने एक सहायक भेजा, उसने खुद हाथों से तैयार किया था। परमेश्वर को चिंता थी चेलों की कि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए क्या करूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, जब तक मैं ना गया मेरे नहीं आएगा वो, मेरे को जाना पड़ेगा। उनको चिंता थी अपने लोगों की, आज भी वो चिंता करते हैं कि आप कभी कहीं कहीं नाश ना हो जाओ। हालेलुया, अगर पवित्र आत्मा पवित्रता ही आपकी जिंदगी में तो ऐसी लाइफ परमेश्वर ने आपको दी है जिसको खुद आपको उसकी संभाल करनी पड़ेगी, खुद उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। कौन सा सलाहकार अच्छा है, कौन सा दोस्त अच्छा है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए अच्छा है आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा भला आप सब कुछ जानते हो उनसे, तो मैं कह रहा हूँ दोस्ती मत रखो जो बाइबल से कोसों दूर है, सिर्फ बातें मोबाइल की, टिकटॉक की, हाँ व्हाट्सएप की, ऐसे ऐसे डाउनलोड होते हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, बाइबल की एक एक आयत तक याद नहीं है आपने उससे दोस्ती रखी हुई है, एक वर्ड तक बाइबल का याद नहीं है आपके अच्छे फ्रेंड वो है, क्या आपको सलाह देंगे। मैं ये आपको बोलता हूँ क्या वो आपको सलाह देंगे, क्या वो आपको जिंदगी जीना सिखाएंगे जो खुद नहीं चला पा रहे, जो खुद नहीं खड़े हो पा रहे। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखाता बाइबल बताती है। कैसे आपने सोच लिया जो पाप में लाइफ गुजार रहा है वो मेरी जिंदगी में क्या है बेटर होगा, नो ये आपकी गलत फहमी है। यहां पे वो है वहां वहां आपको ले जाएगा, एक ना एक दिन क्या ले जाएगा वहां ही आपको ले जाएगा जहां पे वो आप। इसलिए दोस्त अच्छे, रास्ता अच्छा, सलाहकार अच्छे, जिंदगी अच्छी। आमीन। तो ये जिंदगी जो प्रभु ने दी है तो आपको एक स्ट्रांग मैन बन के, स्ट्रांग वुमेन बन के आपको जीनी पड़ती है। इसमें आपको किसी को इजाजत बिना इजाजत के बिना आपको आप टच नहीं करा सकते अपनी लाइफ को, आपको सख्ताई बरतनी पड़ती है, सख्तपन आपको जिंदगी में उतारना पड़ता है। हाँ या ना, नहीं तो ऐसी ऐसी बिल्डिंग मैंने देखी है कि जो जो पल में गिरा देते हैं। हाँ या ना, कितना सीमेंट लगाया होता है, कितने पिलर दिए होते हैं, मशीन आती है, हाँ इसको 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 क्या करना है, कचरा बनाना है, एक घंटे में, दो घंटे में, चार घंटे में वो क्या करके जाती है, उसको कचरा बना के चली जाती है।
तो वो अपनी मर्जी से नहीं आई, वो अपनी मर्जी से नहीं आई। वो मालिक ने कहा इसको क्या कर दो, खेल दो, इसको क्या कर दो, तोड़ दो। वो मालिक की परमिशन के बिना नहीं आई, वो मालिक ने इजाजत दी इसलिए वो बिल्डिंग गिराने के लिए आई। आपकी जिंदगी के बीच आपकी इजाजत के बिना कोई भी परिंदा पढ़ नहीं मार सकता। आपकी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं आ सकती, आपकी जिंदगी में ऐसा लड़का नहीं आ सकता, आपकी जिंदगी में ऐसी चोरी नहीं आ सकती, ऐसा नशा नहीं आ सकता। वो आपकी जिंदगी में खुद आपकी इजाजत के बिना आता है। आपकी इजाजत है कि नशा कर रहे हैं तो आता है नशा। आपकी इजाजत है ऐसे फ्रेंड को चॉइस कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में वैसे ही फ्रेंड आते हैं। आप एक अच्छे मालिक हो तो अपने पिलर को हाथ ना लगाने दो। अपनी दीवार जो जो एक दीवार एक थम है, पवित्र आत्मा का थम, पवित्रताई का थम, हालेलुया, विश्वास का थम, डर का थम, प्रभु के साथ रिश्ते का थम, अगर उसको हथौड़ा लगा आपकी इजाजत होते होते, अगर उसको किसी ने छुआ तो समझ लो परमेश्वर से आप अलग हो चुके। हालेलुया। किन 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 खंभों की आपको सहायता करनी पड़ती है लिख लो, जो मजबूती के खंभे आपकी लाइफ में। पहला विश्वास का खंभा जो प्रभु के ऊपर और प्रभु के दास के ऊपर, विश्वास का खंभा। हाँ, दूसरा खंभा पवित्रता का खंभा, जिसकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपकी पवित्रता को कम कर जाना, जिसकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपके विश्वास को कम कर जाना। डर का खंभा जो प्रभु के लिए डर है, अपने अपने अगुए के लिए डर है, और उस डर के वजह से आज आप पवित्रता में और प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत। ये चौथा खंभा है जिसको आपने ऐसे किसे ऐरे गहरे को हाथ नहीं हथौड़ा नहीं लगाने देंगे। अगर एक दिन हथौड़ा लग गया वो मारता जाएगा आपके रिश्ते को, आपकी पवित्रता को, आपके विश्वास को, आपके डर को वो खत्म कर देगा एक दिन। हाँ या ना? हालेलुया। इसकी देखभाल करना किसकी ड्यूटी है? आपकी। मालिक कौन है? आप। अपनी जिंदगी का मालिक कौन हो? जिंदगी कौन जी रहा है? आप खुद जी रहे हो, दूसरा नहीं। हालेलुया। ये खंबे हैं जो मजबूती के खंबे हैं जो पूरी जिंदगी आपको खड़ा रख सकते हैं। अगर इनकी देखभाल ना की, इनको अच्छे से सवारा ना, इनकी मरम्मत ना की, तो आप गिर सकते हो। आप जितने मर्जी ऊपर गए हो एक पल के भी से आप गिर सकते हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, आंखों को बंद करो, दो मिनट के लिए प्रार्थना करो ऊंची आवाज के बाद। दो मिनट के लिए प्रार्थना करो।